बिरने थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी कुंज यादव के पुत्र किशोर कुमार ने विष पान कर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। बताया गया कि कुछ महीने पहले किशोर कुमार की नियुक्ति प्लस टू हाई स्कूल बाघानाल में शिक्षक के पद पर हुई थी। जब किशोर कुमार के फाइल की जाँच हुई तो कुछ कागजात फर्जी पाए गए और इस वजह से किशोर कुमार को प्लस टू हाई स्कूल से निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर देने की सूचना जब किशोर को मिली तो वे डिप्रेशन में चले गए थे। इस बाबत परिजनों ने बताया कि दोपहर का खाना खाकर वह सो रहा था, इसी क्रम में उसके भाई उसे उठाने गए, तब देखा कि दरवाजा बंद है। बहुत समय तक आवाज देने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो भाई ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया। अंदर कमरे में किशोर मृत पाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। वो आपका? मुंशी यादव। ये कौन लगते हैं? भाई। क्या नाम था? किशोर कुमार। क्या हुआ था? भाई डिप्रेशन में थे। तो क्या हुआ गया? वही डिप्रेशन के कारण लिए। हाँ। का कारण सर 2019 में जो है उनका शिक्षक के पद पर कार्यरत हुए थे हाई स्कूल बाघानल में, और एक साल कार्य करने के बाद जो है विभाग के द्वारा यानी 12 अगस्त को जो है उसको कार्य से मुक्त कर दिया गया, जिसके कारण वो काफ़ी तनाव में थे और इसी तनाव के कारण वो हमेशा जो है डिप्रेशन में रहते थे और इसी चलते ऐसा कदम उन्होंने उठाया।